तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शूट माई स्टाइल ब्लॉग पर। देखिए जब आप बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी महिलाएं और बच्चे मिल जाएंगे जो इस तरीके से यहां पर आपको तिलक लगाएंगे और अपनी श्रद्धा से इनको 10 रुपये 20 रुपये वॉट एवर जो भी आपकी मर्जी होती है आप इनको दे सकते हैं। हम इस वक्त जब बांके बिहारी मंदिर पहुँचे थे तो हम अभी मार्केट से होते अंदर की तरफ जाएंगे। इस वक्त अभी बज रहा है लगभग 4:30 और मंदिर जो प्रवेश खुलेगा वो खुलेगा 5 से 5:30 के बीच। राधे 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 राधे। तो हमने राधे राधे नाम का मफलर खरीदा और चल पड़े आगे। सफर के दौरान हमने यहाँ पर लस्सी ली। यहाँ पर जो लस्सी है ये 40 रुपये से लेकर 50 रुपये का गिलास मिलता है तो आप यहाँ पे इस लस्सी का आनंद ले सकते हैं। ये लस्सी बहुत ही प्योर और बहुत ही आनंदमय होती है। हेलो भाई, अभी हम जा रहे हैं मथुरा के सफर में और मेरे साथ आप देख रहे हैं दोनों लोग जो हैं वो अभी मथुरा के सफर में हैं। और अभी हमने यहाँ से एक प्राइवेट बस ली है तो अभी हम प्राइवेट बस में पूरे मजे कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखो बस के आस पास भी आप देख रहे होंगे जैसे हम दिखा रहे हैं आप बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हुए हैं और बस का पूरा मजा ले रहे हैं। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको टीवी का मजा ले रहे हैं। तो दिल्ली से 150 रुपए सवारी के हिसाब से हमने अपने सफर को शुरुआत कर दी है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे और हम यहां से अब आगे बढ़ रहे हैं वृंदावन मथुरा की तरफ। बस में बैठकर आप पूरा बाहर का व्यू ले सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और जितनी भी सवारी हैं वो आप देखो फुल मस्ती में मस्त है एकदम पूरी तरीके से। ड्राइवर भैया भी हमारे बैठे हुए। तो इस तरीके से आप सफर पे आगे बढ़ सकते हैं। हम एक्सप्रेस वे पे हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस वक्त सफर, बहुत शांति और बहुत मदमस्त एकदम। और बस मन में ये है कि हम अब वृंदावन पहुँचे, मथुरा पहुँचे और राधे राधे करें और मंदिर के दर्शन करें। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो चुकी है राधे राधे की। नजारे आप देख रहे हो कि आप जब बस में अगर सफर करोगे तो बस का पूरा आनंद लोगे और बस में जो सफर है वो बहुत आपको सस्ता पड़ने वाला है और जितने भी यहाँ पे लोग हैं आप उनके साथ आराम से बात करते जाओगे, बिंदास सफर पूरा प्यार मोहब्बत से करने वाला है। तो आगे शुरुआत करते हैं मथुरा के सफर की जो कि हमने अब शुरू कर दिया है। देखिये ये मथुरा कट है जो यहाँ पर लोग जो है आप देख रहे हैं नीचे उतर रहे हैं तो ऐसे उतर के जो है लोग नीचे आते रहते हैं और ऑटो पकड़ते रहते हैं। तो जब आपको यहाँ पे मथुरा कट पे उतार दिया जाएगा तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऑटो कर सकते हैं। अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी साइड का भी नज़ारा जो किस तरह का होगा ऑटो का जब आप यहाँ से लेंगे। तो ऑटो का जो किराया है वो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा कितना था 50 रुपीज़ पर हेड। तो मतलब आप दो लोग हैं तो आपको 100 रुपये पड़ेगा। तो अभी हम दो लोग हैं तो हमने अभी यहाँ पे ऑटो कर लिया, ये शेयरिंग में जाता है, आप चाहें तो प्राइवेट करके भी जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जैसे हम जिस रास्ते जा रहे हैं इस रास्ते पे भी आप आगे जाके ऑटो ले सकते हैं क्योंकि हम वहां से उतर गए क्योंकि वहां पर बहुत टाइम लग रहा था। तो इस सफर के दौरान जो साइड का कुछ व्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आप साइड में देख रहे हो। आपको बहुत साथियों जैसे जैसे आप वृंदावन के अंदर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे जो जैम है वो आपको सैटरडे और संडे के दिन सबसे ज्यादा मिलता जाएगा। तो अभी आप देखिए हम अभी जिस ऑटो में बैठे हैं इसके बाहर से मैं आपको भी नजारा दिखाऊंगा, यहाँ पर जो जाम है वो बहुत इस वक्त ज्यादा लगा हुआ है।
मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो आपने देख लिए होंगे, मॉर्निंग में सुबह 7:45 पे खुल जाते हैं और विंटर्स में 8:45 पे, सिंगार जो होता है वो 8:00 और विंटर्स में 9:00। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको मॉर्निंग और इवनिंग की टाइमिंग यहाँ पर मिल जाएंगी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर के पास, अभी हम पहुंचे नहीं हैं और यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे। अभी आपको मैं यहाँ का ऊपर दे देता हूँ, यहाँ का मार्केट है किस तरीके का होगा, सो दैट कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा व्यू क्लियर हो जाएगा कि बांके बिहारी मंदिर आप जाएंगे तो आपको कैसे कैसे जाना। ये सामने रास्ता है, ये जो सामने रास्ता है आप देख रहे हैं, यहीं पर आप ऑटो भी है कुछ वहां से लौटते हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर सामने, यहाँ भी आपको एक मंदिर मिल जाएगा, बालाजी देवी स्थान, वृंदावन बालाजी देवी स्थान मंदिर आपको सामने वहां पर दिखेगा। और आप हाँ, और यहाँ पर आपको सॉस मिल जाएगी, आपको खाना पीना चाहे तो आप यहाँ पर खा पी भी सकते हैं। तो देखिए जब हम आगे की तरफ बढ़े तो ये था इनका मार्केट, और मार्केट यहाँ पर क्योंकि हम सैटरडे वाले दिन गए हुए थे तो आप देख रहे हैं श्रद्धालु जो है कितनी भीड़ लगी हुई है, और भर भर के भीड़ थी। मतलब सैटरडे संडे जो लोग चल फिर नहीं सकते उनको मैं बोलूँगा कि वो अवॉइड करें यहाँ पर आना, वो केवल वीकडेज में आए, सोमवार से लेकर शुक्रवार के दिन। और क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जो बूढ़े बड़े लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंडे से फ्राइडे ही आएँ। बाकी आप देख रहे हैं कि भक्ति जो भावना है वो पूरी भरी हुई है लोगों में, सब में श्रद्धालुगण यहाँ पर पूरी तरीके से आए हुए हैं, फुल भर के एकदम श्रद्धा है। और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ही आपको आगे गली मिलेगी, 1 और 4 गेट है यहाँ पर जिनसे एंट्री होती है, 2 हैं यहाँ पर और 2 निकलने के हैं। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर अपना बैग टांगे हुए लाइन में चल रहे हैं और फुल यहाँ पर श्रद्धा के साथ। मंदिर जो है वो 5 खुलता है, तो आप देख लीजिए पीछे दर्शन के लिए जो लोग हैं वो कितने सारे आ चुके हैं, अभी लाइन जो है पीछे लगी हुई है। 5 का टाइम है। जो मिठाई की दुकान यहाँ पर होगी आपको अपने जूते वहीं पर रखने पड़ेंगे क्योंकि और कोई स्थान यहाँ पर जूते रखने का नहीं है। तो भाई लोगों यहाँ पर राधे राधे के नारे लगते रहेंगे, और इसी यहाँ पर छोटी छोटी ये सकरी सी गलियाँ हैं जहाँ पर भीड़ लगती है अंदर प्रवेश द्वार के लिए। और इन गलियों में अगर आप अपना पानी स्वयं लेके आएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड गलियाँ हो जाती हैं, अगर आपको थोड़ा भी सफोकेशन महसूस करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो अपना पानी साथ में लेके आएं, हो सके तो आप अवॉइड करें सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे जैसा मैंने पहले भी आपको बताया आप आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है और जो लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते वो यहाँ पर समटाइम्स उनको चक्कर भी आ जाता है तो उनको बैठना पड़ता है कहीं, तो बूढ़े वाड़े लोग और जिनको चक्कर आते हैं, जिनको सफोकेशन फील होता है, तो वो लोग मंडे टू फ्राइडे आएँ। और बाकी राधे राधे करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए, कान्हा के दर्शन के लिए। तो यहाँ से अब मेनली शुरुआत हुई है मंदिर के अंदर प्रवेश की, लेकिन यहाँ पर भी आपको आराम से कम खड़े खड़े आपको 1 से 1.25 लग जाता है, उसके बाद ही आपको मेन प्रवेश द्वार से आपको एंट्री मिलती है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे, अब आगे का वीडियो मैं मोबाइल के थ्रू बनाऊंगा आपको जब एंट्री करवाऊंगा, क्योंकि मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बार बार
तो अभी हमने बांके बिहारी मंदिर के अंदर एंट्री कर दी है, सामने आपको बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। सामने मैं देखिए रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन दो बहुत सारे मोबाइल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पास में जाते जाएंगे बांके बिहारी जी के, वैसे ही आपके मोबाइलों को अंदर रखने को बोल दिया जाएगा। समटाइम्स आपके मोबाइलों को थोड़ा हाथ भी मारा जाता है, कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए अवॉइड करें कि आप रिकॉर्डिंग ना करें, या कर रहे हैं तो जहाँ पर मैं आपको दिख रहा हूँ बस इसी लिमिट तक आप लें, क्योंकि इसके बाद से फिर वो मोबाइल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि धक्कम धुक्की भी काफ़ी सारी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे होते हैं। और दर्शन बस मैं आपको इतने ही करा पाऊंगा, क्योंकि मैं फ्रंट टू फ्रंट आपको बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं करा पाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में आपके अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके का कुल मिला के माहौल है। यहाँ पर बीच बीच में बांके बिहारी जी के सामने से जो पर्दे टंगे रहते हैं, वो पर्दे बार बार ढके जाते हैं। मानना ये है कि बांके बिहारी जी की आंखें आपसे ज़्यादा देर के लिए ना टिकी रहें, क्योंकि ये मानना है कि बांके बिहारी जी उन्हीं के साथ चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक बांके बिहारी जी को देखते हैं, तो बांके बिहारी जी मनमोहित हो जाते हैं उनसे, उनके संगी चल देते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के रूप में उनको ये मंदिर प्राप्त है, मैं कहूँ श्रद्धा है। तो आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मेरा मोबाइल भी टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मोबाइल भी न गिर जाए। तो श्रद्धालु यहाँ पर बहुत भर भर के आते हैं, शनिवार इतवार को बहुत भीड़ होती है। देखिए मैं अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो भाई लोगों, हमने पूरी कोशिश की आपको बांके बिहारी मंदिर के अंदर दर्शन कराने की, और जितना हम करा पाए उतने ही हमारे एफर्ट्स थे। तो बाहर निकलने के बाद फिर ये बाहर का नज़ारा था दुकानों का, यहाँ पर आपको सामान मिलते हैं, बांके बिहारी मंदिर जी की मूर्तियाँ मिलती हैं, श्रृंगार मिलता है, और आपको दुपट्टे मिल जाएंगे, स्कर्ट्स मिल जाएंगी, कुर्ते मिल जाएंगे जिन पे बांके बिहारी जी लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इनके की रिंग्स, मूर्तियाँ, तमाम सारा सामान यहाँ पे मिलता है। तो बांके बिहारी जी के जो साक्षात दर्शन है वो तो आपको यहाँ पर आने के बाद ही हो पाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स करे आपको पूरा बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराने की, तो जो मुझसे बन पाया वो मैंने आपको करा पाए हैं। तो बोले जय बांके बिहारी जी की जय, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अगला वीडियो भी आपके लिए बांके बिहारी मंदिर पर लाने वाले हैं। जय राधे राधे, जय कृष्णा।